गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन 11, काइट्स लेसन। स्टूडेंट्स, हमने रीड किया था पतंग के बारे में, मैंने आपको बताया था काइट्स के बारे में, कैसे इसको यूज़ किया था, कैसे हम इसको इंडिया में लेके आए, अब इसका कैसे शौक हो गया है लोगों के मन में, कितनी एक्टिविटी, मतलब हर कुछ भी करने का होता है, बच्चे जब फ्री होते हैं या बड़े होते हैं फ्री, तो काइट्स उनकी मतलब जो है एक्टिविटीज़ में आ गया है। अब इसकी बेटा हम करते हैं बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट देखिए, द टेबल बिलो कंटेन बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द काइट्स, के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बतानी है। यूज़ अ पेंसिल एंड ब्लैक एंड, हमें पेंसिल का यूज़ करेंगे या कोई भी ब्लैक पेन या मार्कर वगैरह का। द येस बबल, जो हमारे बबल बने हुए हैं, येस है तो इसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उसमें हम उसको हाईलाइट कर देंगे। नो बबल में एन वाले में नो भी जो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है इसके बारे में बताना है। ये हमारी काइट्स है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। फर्स्ट है मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या क्या मटेरियल यूज़ करा किया जाता है क्या काइट्स के लिए, क्या मूवमेंट होती है, प्लेसेस टू फ्लाई, कहाँ इसको उड़ाया जाता है और इसका किस किस चीज़ में यूज़ होता है। फर्स्ट देखिए, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, ग्लास का यूज़ करते हैं हम, कांच का नो, पुल खींचते हैं मूवमेंट करते हैं येस, रूफ टॉप्स पे येस, टू कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एयर नो, हम इलेक्ट्रिसिटी एयर से लेते हैं नो। आगे स्टिक्स का यूज़ करते हैं हम, स्टिक्स का यूज़ करते हैं येस, स्टिक्स जो डंडी होती हैं उनका यूज़ करते हैं, फ्लैप करते हैं, फ्लैप मैंने फड़फड़ाती है ये येस, पार्क्स में यूज़ करते हैं येस, फॉर फन के लिए येस, तो येस इनको मार्क कर देंगे। आगे फैब्रिक का यूज़ होता है, येस यूज़ होता है इसका, शूट करते हैं हम, शूट करते हैं येस, हॉस्पिटल्स में नो, एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मोड है ये, ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है नो, पेपर का यूज़ करते हैं मटेरियल में, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग, पेपर का यूज़ करते हैं येस, स्वे यूज़ करते हैं, स्वे क्या होता है, स्वे होता है लहराते हैं येस, हॉल्स में नो, हॉल्स के अंदर पतंग उड़ाई जाती है नो, फॉर स्पाइंग के लिए, स्पाइंग मैंने जासूसी के लिए येस, रबड़ का यूज़ करते हैं, रबड़ का नो, डीप करते हैं नो येस, बीचेस में यूज़ करते हैं येस, टू मेज़र द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट मापते हैं नो, बैम्बू का यूज़ करते हैं, बैम्बू का येस, रन करते हैं नो, टेम्पल्स में यूज़ करते हैं नो, टू कैरी मेजरमेंट इनटू क्लाउड्स में येस, स्टील का यूज़ करते हैं नो, जंप करते हैं जंप नो, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं नो, फॉर फिल्म शूटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं नो, डायमंड का यूज़ करते हैं नो, स्लाइड का यूज़ करते हैं, स्लाइड का, स्लाइड मैंने फिसलन पट्टी का नो, हाईवेज पे यूज़ करते हैं नो, फॉर एरियल फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं येस। ये बेटा हमारा था फर्स्ट, जिसमें हमें बताना था A1 पार्ट में भी मटेरियल यूज़ किया जाता है, मूवमेंट क्या होती है, प्लेसेस टू फ्लाई, कहाँ इसको उड़ाते हैं, यूजेस करते हैं, इसमें येस और नो पे मार्क करना है। मैंने जो ब्लैक पेंसिल से हाईलाइट करे हैं उनको ही आपने मार्क करना है, मैंने डार्क इसलिए नहीं की ताकि आपको समझ ना, कहीं आप समझ ना पाएँ इस बात को। सेकेंड पार्ट देखिए, A2 में ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, टू पार्ट्स दे रखे हैं, बट द पार्ट्स आर रोंगली पेयर्ड, इनमें से एक पार्ट रोंग है। पेयर द पार्ट्स करेक्टली, रीराइट द सेंटेंसेस, जो पार्ट रोंग है, जो पार्ट रोंग है हमने उसको यूज करना, मतलब उसको कट करके उसकी जगह जो राइट पार्ट होगा वो लिखना है। Each of the following sentence has two parts. Kites are with cameras tied to them were used. किस लिए यूज़ किया जाता है कैमरा? To take pictures of enemies, enemies मतलब पिक्चर्स लेने के लिए, किसकी? एनिमीज की, शत्रुओं की, ठीक है बेटा। सेकेंड सेंटेंस देखिए बेटा, साइंटिस्ट टाइड काइट्स टूगेदर इन ट्रेन्स वैन द फर्स्ट काइट कुड नॉट फ्लाई हाई इनफ। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैंने लेसन रीड करवाया था, फ्रैंकलिन सेंट अ काइट अप इनटू द स्काई, क्या करने के लिए? टू कैच द करंट फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैशेस,
Kites became popular because किस लिए पॉपुलर? बिकॉज देवर इजी टू मेक, इसको आसानी से बनाते हैं, और एंड फ्लाई, मेक एंड फ्लाई. टूडे काइट्स आर नॉट यूज फॉर स्पाइंग बिकॉज एरोप्लेन्स कैन डू दैट वर्क बेटर, क्योंकि एरोप्लेन्स जो है काफ़ी बेटर वर्क कर लेते हैं. आंसर दिस क्वेश्चंस, मैं आपको ये फिर क्वेश्चंस राइट करवाऊंगी. अब हम करते हैं बी वन पार्ट. द वर्ड इन द ग्रिड बिलो हैव समथिंग टू डू विद फ्लाइंग, पुट द वर्ड्स इन टू द करेक्ट कॉलम इन द टेबल बिलो द ग्रिड. हमने करेक्ट कॉलम्स में लगाना है इसको. ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, पैराशूट्स, हैंग ग्लाइडर, बटरफ्लाई, गरुड़ा, क्राकाइज, सुपरमैन, हनुमान, ये इसको हमने राइट उसमें लगाना है. मैन मेड थिंग, मैन मेड जी जो आदमी ने खुद चीज़ें बनाई है, पैराशूट, हैंग ग्लाइडर, काइट, एरोप्लेन, रॉकेट, हॉट एयर बैलून, हेलीकॉप्टर, बूमरैंग एंड ब्रूम स्टिक्स, ये सभी मैन मेड थिंग है जो मैन ने बनाई है. थिंग्स इन नेचर, जो प्रकृति से बनी है, प्रकृति में जो अपने आप ये हैं, नेचुरल हैं. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हम हाथ से थोड़ी बनाते हैं, नेचुरल है ना. मॉस्किटोज, क्लाउड्स, बर्ड्स, जो नेचुरल हैं, जो हमारी नेचर में ऑलरेडी जो हैं, तो वो हमारी जो थिंग्स इन नेचर जो ऑलरेडी हैं हमारी उसमें नेचर में. एंड मिथोलॉजी स्टोरीज, जिसपे कहानियाँ हैं, मिथोलॉजीज हैं, पुरानी लौकिक जो लौकिक कथाएँ हैं, वो मिथोलॉजी एंड स्टोरीज हैं जिसपे जो हैं गरुड़, सुपरमैन, हनुमान, फ्लाइंग सॉसर, एंगल्स, एंजल सॉरी, पुष्पक, पुष्पक विमान, फ्लाइंग कारपेट्स. स्टूडेंट्स, ये जो हैं हमारी मैनमेड थिंग है. ये जो हमारा बॉक्स है इसमें से हमने इसमें से सेलेक्ट करने हैं मैनमेड थिंग, थिंग्स इन नेचर एंड फ्रॉम मिथोलॉजी एंड स्टोरीज, जो हमने इसको इसके बॉक्सेस में राइट करना है. ये आप जो थ्री पार्ट्स मैंने जो बुक करवाए हैं A1, A2 एंड B1, ये आप अपनी बुक में राइट करेंगे और इसको लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.